आज इस वीडियो में बनाएंगे इस तरह के गमले। जी हाँ, बहुत ही अच्छे और आसानी से बन जाते हैं। इसके लिए लेना है हमें एक बलून, और बलून पर कुछ पेपर की मदद से हमको इस तरह से बनाकर तैयार करना है। बलून को फुलाकर उस पर पेपर में फेविकोल का घोल बना करके इस तरह से पेपर को उसमें डुबोकर लगाना है। वीडियो मेरा स्किप हो गया है और उसमें मैंने आपको बता सकती थी कि किस तरह से करना है, पर अगली बार मैं ज़रूर दिखा दूँगी। और इस तरह से आप एक बाल पुट्टी लेकर के इसमें फेविकोल मिला करके आप एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और उसको इस पर लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से एक गमला बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ गमले का, और इजीली बन जाएगा, बहुत ही आसान है। इसे आप एक बार देखेंगे तो आसानी से बना लेंगे। पहले मैंने भी ऐसे सोचा था कि पता नहीं कितना कठिन होगा, बनेगा या नहीं बनेगा, पता नहीं बॉल पिट्टी से बनता है। बहुत सारे सवाल भी मन में आते हैं कि क्या ये बनेगा, लोग बताते हैं क्या बिल्कुल वैसा ही बनता है या आसानी से बन जाएगा या टूट जाएगा, और भी कई मन में सवाल होते हैं। तो आज उन सब सवालों को मैं दूर करने वाली हूँ और मैं खुद से इस तरह का एक गमला बनाकर तैयार करूँगी। और बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी है। आप इसको बनाएंगे तो सच कह रहे, एक बार बनाएंगे और बार बार बनाने का मन करेंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी है, सरल है। इसमें कुछ नहीं लगता है, बस एक बलून की आवश्यकता होती है, बॉल पुट्टी होती है और आपका मेहनत होती है। तो बस उसी को लेकर आप इस तरह के गमले बार बार बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। बॉल पिट्ठी में डाला था फेविकॉल और इस तरह इसका टेक्स्चर हो गया है तैयार। और अब मैं इसको अपने बलून पर लगाने के लिए इसे रेडी कर लूँगी और ये आसानी से लग जाएगा। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो बलून है उसमें मेरे बलून में मतलब जो मेरा मैंने बलून पर पेपर लगाया था उसके अंदर से जो बलून है वो टूट गया है, इसलिए ये पेपर का ही अकेला होल मतलब एक खाली टाइप से ही है। तो इस पर मैं अगर ज़्यादा बॉल पुट्टी लगाऊंगी तो ये नम हो जाएगा और मुड़ने का भी डर रहेगा, इसलिए अगर बलून अंदर रहेगा तो बहुत अच्छे से इसका टेक्सचर बन करके तैयार होगा और ये अच्छे शेप में भी आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा करके ही बॉल पुट्टी को लगाना है। अगर मैं एक साथ एकदम से ज़्यादा मात्रा में इसको लगाती हूँ तो बॉल पुट्टी के प्रेशर से ये जो पेपर है वह नम होकर टूट जाएगा या एक अलग शेप ले लेगा। और सर्दियों का टाइम है इसलिए इसको सूखने में भी 1 से 2 दिन लग जाएंगे। तो बस मुझे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसका एक शेप देते हुए इसको तैयार करना है। तो पहले मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि इसमें हो सके तो थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी और उसको सुखाकर दोबारा से फिर से तैयार करूँगी। सर्दियों का टाइम है, 1 से 2 दिन लग जाएंगे सुखाने में और अंदर बलून नहीं है इसलिए ये शेप चेंज ना कर ले, इसका भी मुझे खास ध्यान रखना है। बस इसी थोड़ी सी सावधानियों को भी आप भी बरत सकते हो और इस तरह से धीरे धीरे आप एक तरह का टेक्सचर बनाकर तैयार कीजिए और अच्छा शेप भी आकर के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने उतनी ही बॉल पुट्टी ली है जितना कि एक दिन में मैं इसको लगा सकती हूँ और सुखा कर तैयार कर सकती हूँ, उतना ही मात्रा में मुझे लेना है, क्योंकि अधिक मात्रा में लेंगे तो बॉल पुट्टी सूख जाएगी और ख़राब हो जाएगी, फिर इसका दोबारा से यहाँ पर कोई यूज़ नहीं हो पाएगा। इस चीज़ों को भी, इन बारीकियों को भी हमें ध्यान में रखते हुए ये सब करता है। थोड़ा थोड़ा सूख जाए तो बस उसमें थोड़ा थोड़ा सा हमें अपने शेप जिस तरह का शेप देना है उसमें उस तरह का टेक्सचर लगाते हुए उसका जो पेस्ट बनाया है हमने उसको लगाते रहेंगे और इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें पूरा जो मैंने बनाया था पेस्ट वो लगा दिया है। अब इसको सुखाने के लिए मैं रख दूँगी और 1 से 2 दिन अगर सर्दी का टाइम है तो लग ही जाएगा, और उसको जब सूख जाएगा तो हम इसे दूसरे दिन फिर से इसका ऊपर एक और परत बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से लग गया है और ये 2 से 3 दिन के बाद का है। फिर से मैंने एक बॉल पुट्टी का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, साथ ही मैंने इसमें फेविकॉल भी मिला लिया है। तो देखिए अब की बार से मैंने भी इसको गाढ़ा करके तैयार किया है जिससे कि आसानी से जल्दी सूख जाएगा। गाढ़ा होगा तो अच्छे से सूखेगा और जल्दी स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। अगर पतला लिक्विड होगा तो बहुत ही बहेगा, मतलब बहना स्टार्ट कर देगा, उस पर टिकेगा नहीं और ना ही वो अच्छे शेप में आ पाएगा। तो बस देखिए बहुत ही ईजी होता है, बहुत आसान होता है। इस तरह से लगाते जाना है और लगा करके इसको पूरा मैं कवर कर दूंगी। एक मतलब दूसरी परत फिर से इस पर मतलब तैयार है और चढ़ने के लिए। तो दूसरी परत मैं अपने जहाँ तक मुझे इस गमले को रखना है, आकार देना है, वहीं तक मैं इसमें बॉल पुट्टी लगा रही हूँ। बाकी ऊपर का जो हिस्सा है उसको मैंने कैंची से कट कर लिया है और आगे बाद में जब ये सूख जाएगा तो मैं पूरा हिस्सा इसका कट कर दूंगी। जितना मुझे रखना है उतना ही रखूंगी
और इसमें इस तरह से हम बॉल पुट्टी का प्रयोग करते हुए लगा देंगे और इसे सूखने के लिए थोड़ी देर रख देंगे, जिससे कि ये इसका पेस्ट है बहुत अच्छे से सूख जाए। जब भी हम कभी इस तरह का काम या कोई इस तरह का क्राफ्ट या DIY करती है तो हमें इस चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए कि जैसे कि जो भी हम कर रहे हैं पहले तो उसको पूरी प्रॉपर प्रोसेस के साथ करें, और साथ ही उसमें जो भी हम पेस्ट या जो भी कुछ लिक्विड यूज़ कर रहे हैं उसको उसी मात्रा में यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पेस्ट सुखाने के बाद उसका जो पेस्ट सूख गया है, देखिए मैंने कहा था कि जैसे मैं उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने कट कर दिया है, और साथ ही जो उसका शेप था उसको मैं पानी की सहायता से हल्के हाथ से उसको एक अच्छे से शेप में ला रही हूँ। और पता है इसमें बॉल पुट्टी में क्या होता है कि अगर इसका टेक्सचर अच्छा नहीं बन रहा है तो आप हल्के हल्के हाथ से पानी की मदद से और हल्के हाथ से बॉल पुट्टी लेकर इसमें इस तरह से करेंगे तो जहाँ पर आपको कुछ पैचेस से दिखती हैं, गड्ढे दिख रहे हैं या उबड़ खाबड़ सा दिख रहा है, वो उसको आप सही कर सकती हैं। पहले मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब मैंने खुद से अपने हाथ से किया तो बहुत ही ईजी हो गया और वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा जैसे करने में, और बहुत ही बढ़िया लग रहा था। उसको पानी की सहायता से आप एक अच्छा शेप देते जा रहे हैं और वो अच्छे से हो भी रहा है। तो इस तरह से आप कीजिए, बहुत ही आसान होता है। और साथ ही मैंने इसका जो किनारा है उसको भी अच्छे से एक शेप में तैयार कर लिया है, और जितना वो सूखता जाएगा उसी तरह से मैं हल्के हल्के हाथ से उसको और एक अच्छा शेप देने की तैयारी करूँगी या एक कोशिश करूँगी। भी हम कोई काम कर रहे हैं और मन में ठान लें कि बस हमें ये करना है, तो बस समझिए वो आधा काम तो हमारी सोच और हमारे विचारों में ही हो जाता है, बस आधा रह जाता है हमारे जैसे कहते हैं के ऊपर कि हम उसमें कितना टाइम और कितना समय दे रहे हैं, अपनी मेहनत दे रहे हैं तो जिससे वो काम कंप्लीट हो जाए। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने सोचा कि मुझे बनाना है तो आधा तो मेरे उसमें बन ही गया कि जस मुझे इस तरह से ये करना है वो करना है, तो इसी तरह से बहुत ही ईजी होता है और आसानी से बन भी जाता है। तो देखिए किस तरह से ये अच्छे से हल्के हाथ से इसमें पानी की सहायता से आप इस तरह से लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा एक अच्छा चिकना शेप लेता जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत आसान है। मैंने ये बनाया है, अब मैं कोशिश करूँगी हर बार जब भी मुझे टाइम मिलेगा और मेरे पास पुट्टी वगैरह एक्स्ट्रा रहा करेगी तो मैं इस तरह से बना दिया करूँगी। और बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सरल है, बस इसमें लगता ही क्या है, एक बलून और पुट्टी का ही तो काम है। और देखिए ये बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हो जाता है। सर्दियों का टाइम है इसलिए इसको मैं धूप में 100 दिन सुखा लूँगी, सुखाने के बाद ये अपने अच्छे से आकार ले लेगा और सूख जाएगा। मैंने यहाँ पर अंदर जो पेपर लगाया है उसको नहीं हटाया है। अगर आप किसी प्लांटर को इसमें शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप फूल कर करके उसमें एक प्लांट लगा दीजिए, परमानेंट लग जाएगा। या आप अलग से इसमें प्लांट रखना चाहते हैं प्लांटर के साथ तो आप इसको इसी तरह से रखने दीजिए, कोई इंडोर प्लांट ही लगाइए, वो बहुत अच्छे से इसमें अच्छा लगेगा और बहुत ही आकर्षक लगेगा। या फिर कोई आर्टिफिशियल फ्लावर लाकर इसको इस तरह से आप अपने घर के कॉर्नर में रख सकते हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है प्लांट के साथ भी और आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ ही। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।